वो दलाल मीडिया जो बैठी है उस मीडिया की आप बात मत करो, वो लोकतांत्रिक मीडिया नहीं है, वो चाटुकार मीडिया है, वो पैसे ले। देखो गायब कौन है कौन नहीं है ये पूरा देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश पे किसानों के साथ जो अन्याय कर रही है, बाबा योगी आदित्यनाथ के मंत्री जो गाड़ियां चला रहे हैं किसानों पे, पूरा देश देख रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। और उन मंत्री के बेटों को जो जनरल डायर बन गए हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। और मैं भारतीय जनता पार्टी और बाबा योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं, क्या ये मंत्री का बेटा है और मंत्री है उस पर उसके घर पर बिल्डोजर चलेगा या नहीं चलेगा? जो किसानों को जिस तरीके से कुचल रहा है, आज आपने सबोध जो मारा गया था उसको पदोन्नति दे दी, उसको अपनी पार्टी में सत्ता में उसके शिखर पे बैठाने की कोशिश की। आपने जो उसके वहाँ चलाया था बिल्डोजर ब्राह्मण के घर पे, ब्राह्मण को आपने विकास दुबे के घर पे, ये जो आया है इसने भी 8 किसानों की मौत में दे दिया है, इसके घर पे भी क्या बिल्डोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? या भारतीय जनता पार्टी हमेशा आतंकवादियों को जैसे देवेंद्र को दे दिया और पुलवामा के अटैक की आज दिन तक जानकारी नहीं दी देश को, इसी तरीके से आतंकवादियों को क्रिमिनलों को भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करती रहेगी सत्ता में बैठ के? सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, किसानों को मरवा रही है। किसान आज 10 महीने से आंदोलन पर बैठा है, किसान सिर्फ अपना संवैधानिक तरीके से केंद्र सरकार तक बात पहुंचाना चाहता था और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जो किसानों की गुस्सा थी उसे अपना बयान करना चाहता था, लेकिन ये लोग किसानों के पीछे पड़े और इनका बिल्डोजर सिर्फ निर्दोष लोगों पे और देश के जाति बिरादरी बिल्डोजर ने गाड़ियां चढ़ रही है। जो विरोध करता ना बीजेपी का उसके ऊपर गाड़ियां चढ़ जाती है, गाड़ियां ये सत्ता में अभी 3 महीने और रह गए, 3 महीने के बाद चुनाव है, इनकी गाड़ियां वो बिल्डोजर खड़े हैं उनमें तेल खत्म हो गया है, दूसरे सरकारें आएंगी वो तेल डलवा के और उन्हीं लोगों के ऊपर बिल्डोजर चलाएंगी, क्योंकि ये जो बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने गिफ्ट में लोगों को दिया है ये बरकरार रहेगा, ये योगी आदित्यनाथ जी जो दे के जा रहे हैं वो बरकरार रहेगा। उसे आरोप लग रहा है किसानों पे, आरोप लग रहा है कि जो किसान वहाँ पे थे प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने पत्थर चलाए, तलवार हाथ में था, इसलिए जो ड्राइवर था उनका डिसबैलेंस हो गया। किसानों के हाथ में कोई तलवार नहीं थी, किसानों के हाथ में डंडा और झंडा रहता है, ये सब सिर्फ मीडिया का और भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का प्रोपेगेंडा रहता है। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गाड़ी के शीशे टूटे हुए पत्थरों से, गाड़ी के शीशे, गाड़ी वो छोड़ के चला गया, गाड़ी पलट गई है, चलती गाड़ी में से कूदा है, ये वीडियो आ गया है, चलती गाड़ी में से कूदा है। जब पत्रकार की मृत्यु हुई है उसके भाई ने सोशल मीडिया पे वीडियो जारी किया है कि हमको जो कुछ मीडिया वाले आकर के दबाव डाल रहे हैं कि इस तरह से बयान दीजिए। देखो मीडिया वालों की अगर आप बात करते हो तो शाहरुख खान का लड़का पकड़ा जाता है और मीडिया सिर्फ किसानों के आंदोलन को छुपाने के लिए, किसानों का आंदोलन न दिखाने के लिए शाहरुख खान के लड़के पे मीडिया फोकस करती है। इतने कंटेनर पकड़े जाते हैं ड्रग्स के, उन पर चर्चा नहीं होती है। तो मीडिया देश के खिलाफ जा रही है, संविधान के खिलाफ जा रही है, सिर्फ सत्ता के चाटुकारता कर रही है। मीडिया की बात मत करो, मीडिया के लोग उस पर प्रेशर दे रहे हैं उसे बदनाम करने के लिए, उस पर अपने हिसाब से बयान दिलवाना चाहते हैं। लेकिन सवाल हम सलाम करते हैं उस पत्रकार के परिवार को कि जो आज भी अपने किसानों के साथ और अपनी बात पे कायम डटा हुआ है, उसे गाड़ी से रौंदा गया और फिर उसके गोली मारी गई और उसे गोली भी ये सरकार नहीं वो होने दे रही है साबित, उसको गोली मारी गई, गोली से मारा गया है, ये पक्का साबित हो चुका है, इसीलिए इन पर 302 की धारा लगी। मंत्री का बेटा था वो ये भी तो कह रहे हैं अगर हमारे घर से कोई हुआ या बेटा हुआ मेरा तो मैं इस्तीफा दूंगा। वो मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, इसलिए नहीं देगा कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी का उस पर आशीर्वाद है, सारे क्रिमिनलों पे बाबा योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद रहता है, क्योंकि योगी जी खुद उसी मानसिकता के हैं। वो इस्तीफा नहीं देगा, ये जब तक किसान मांग नहीं करेगा मजबूती से खड़े होके बॉर्डरों पे, वो इस्तीफा बाबा योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण में रहेगा। पहले किसने इस्तीफा दिया? इतने क्रिमिनल बैठे हैं, इतनों ने दंगा करवाया, इन्होंने मुकदमा कायम है, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया और ना ही इन्होंने बाबा का क्या योगदान? ये तो इस्तीफा तो मोदी जी लेंगे ना, केंद्रीय है ना राज्य मंत्री। बाबा ने उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख के नहीं बनाया, वो दलाल था, वो स्मगलर था वहाँ का, 8 मुकदमे उस पर पहले से चल रहे हैं, न जाने कितने मर्डर कर रखे हैं उसने, उसकी हिस्ट्री तो निकालते उस हिसाब से उसे मंत्री बनाते, वो वहाँ का बहुत बड़ा माफिया है।
इसलिए उसे मंत्री बनाया और ये जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को ऊपर गाड़ी चढ़वाई है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी वही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसानों के खिलाफ है, किसानों की आवाज दबाना चाहती है, संविधान को मारना चाहती है, राष्ट्र को मारना चाहती है। ये लोग राष्ट्र को बचाने के लिए बैठे। योगी आदित्यनाथ जी की मानसिकता देश विरोधी है, उत्तर प्रदेश विरोधी है। ये 2022 आ रहा है, सारा इन्हें बदला लिया जाएगा इनसे वोट के माध्यम। लेकिन अब तो राजीनामा हो गया रहे हैं वो मंत्री, आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किया उन्होंने। भैया अमित शाह का अगर रिकॉर्ड निकालोगे, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी मुलाकात करेगा अमित शाह, उसे संरक्षण देगा। इस्तीफा हो जाना चाहिए था, अब मुझे लगता है कि उसका इस्तीफा भी नहीं होगा। नहीं, अब तो राजीनामा हो गया तो इस्तीफे का क्या? राजीनामा हो गया, खबरें तो चल रही कि मुआवजा मिलेगा। खबरें ऐसी देखते रहो, किसानों का कोई राजीनामा नहीं हुआ। अगर सरकार से जो किसान मांग कर रहे थे कि उन्हें मुआवजा दिया जाए, एक नौकरी दी जाए, वो हुआ है। कोई राजीनामा का मतलब ये नहीं है कि उसके दूध का धुल गया है, वो क्रिमिनल नहीं रहा। उसने गाड़ी चढ़ाई, FIR दर्ज हुई और हमारा पूरा संयुक्त मोर्चा डटा हुआ है इस बात पर कि उसे सजा होनी चाहिए, उस पर मुकदमा कायम होना चाहिए, उसको पकड़ा जाना चाहिए, उसे जेल होनी चाहिए। लेकिन आपको कोई समझौता नहीं, आपको जो है उपद्रव भी बता रहे हैं मीडिया। मीडिया तो पहले दिन से बता रही है, मीडिया की बात बंद करो मेरे भाई। लोगों ने टीवी देखना बंद कर दी, हमने उस मीडिया का बहिष्कार कर दिया है। उस मीडिया को हम देखना नहीं चाहते, वो मीडिया आंदोलन में नहीं आती। वो दलाल मीडिया जो बैठी है, उस मीडिया की आप बात मत करो। वो लोकतांत्रिक मीडिया नहीं है, वो चाटुकार मीडिया है, वो पैसे लेके मीडिया चलती है, वो मोदी और योगी की और अमित शाह की दलाली करती है। उस मीडिया का